Hi everyone and welcome back to my channel. I've asked about you and they told me things, but my mind didn't change. So today's video is a little bit of an update कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसे जा रही है. मुझे लगा ये अपडेट थोड़ा मैंडेटरी था क्योंकि मैं सारी पिछली चीज़ों के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है और मुझे पता है मैंने कैंपस टूर नहीं डाला और अब 5 दिन की छुट्टी आ गई है. 5 दिन इसलिए क्योंकि फ्राइडे को कोई स्कूल नहीं जाएगा. सबको पता ही होगा कल ईद है तो कल की छुट्टी है एंड देन मंडे को 2 अक्टूबर है तो उसकी छुट्टी है. तो लॉन्ग वीकेंड है इसलिए मैं कैंपस टूर नहीं बना पाऊंगी ट्यूजडे तक. ओके तो अगर मैं कैंपस टूर नहीं बना सकती तो एक और चीज़ जो मुझे बतानी पड़ेगी इज द रिव्यू. तो एग्जैक्टली मेरे को कैसा लगा आईपी यूनिवर्सिटी में आके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आईपी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करके, क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली मेरी इस टाइम पे, मैं परेशान हूँ या फिर मैं ऑल राइट, मतलब चल रहा है सही है या फिर बहुत बढ़िया चल रहा है. तो सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगे. और एक और वीडियो इज जो मेरे दिमाग में है, मतलब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस आईपी यूनिवर्सिटी, मतलब डिफरेंसेस बेसिकली, वर्सेस वगैरह मतलब ऐसे नहीं बट डिफरेंसेस एक्चुअली कि पढ़ाई में एवरीथिंग सारे डिफरेंसेस. भले ही मैं 4 दिन गई थी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकिन मतलब थोड़ा सा आइडिया है. तो या दैट वीडियो विल बी कमिंग अभी 1-2 दिन में. सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट हेल्प्स आउट अ लॉट. एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप नोटिफाई हो जाओ व्हेन आई पोस्ट एनी वीडियोस. एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ Q&A वाली वीडियो एंड आई हैव पोस्टेड ए कम्युनिटी टैग पे ये पोल. इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग देन यू कैन कॉमेंट इन दैट पोल और इन दिस वीडियो. सो या आई गेस स्टार्ट करते हैं. सुंदर है ना. ओके सो द फर्स्ट थिंग इज पहले पढ़ाई के बारे में बात करते हैं. तो व्हाट इज माय रिव्यू पढ़ाई के ऊपर इन द कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पढ़ाई सही हो रही है, मतलब सारे जो ऑलमोस्ट टीचर्स, अच्छा टीचर्स के बारे में बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे. पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा फोकस किया जाता है क्लासेस पे और अटेंडेंस पे, एवरीथिंग वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ओनली बिकॉज उनको अपना रिजल्ट मेंटेन करना होता है एंड उनको प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अपना अच्छा बनाना होता है. बिकॉज वैल्यू ऑफ द कॉलेज टीचर्स और बच्चों से ही बढ़ती है सो दे पुट तो दे लाइक फोकस ऑन बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स की टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं और स्टूडेंट्स अटेंड करें, विच इज अ गुड थिंग. मतलब क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है अगर हम ध्यान से सोचें, हम ऐसा ना सोचें कि स्ट्रिक्ट है ये वो, तो सही है, अच्छी बात है. तो ये था पढ़ाई रिव्यू. पढ़ाई सही चल रही है, मतलब अभी तो कुछ खास ऑफकोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है और बाद में पता चलेगा, बट फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए ये वीडियो है. बट फर्स्ट इम्प्रेशन सारे मतलब इस वीडियो में है, जो सीनियर से सुनने में आया है सब कुछ, मतलब एक्चुअली तो वही होता है जो सीनियर्स वगैरह बताते हैं. तो इस वीडियो में सारा कुछ है जो मुझे पता चला. पढ़ाई एंड द फोकस पढ़ाई पे इज गुड एंड पढ़ाई सही है अभी तक. सेकेंड पॉइंट टीचर्स. अब मैंने जो पहले इतना सुना था, सब कहते थे कि DU में जिन टीचर्स ने PhD की हुई है वो मतलब पढ़ाती हैं, तो और उन्होंने कहा था प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ वो पढ़ाते हैं कि जैसे जिन्होंने PhD नहीं की एंड दे हैव डन मास्टर्स और ग्रेजुएशन तो वो लोग पढ़ाते हैं. बट दिस इज रॉन्ग क्योंकि हमारी मैथ्स की टीचर 10 साल DU में पढ़ा के आई थी और उन्होंने शायद से PhD नहीं कर रखी, मैं श्योर नहीं हूँ. लेकिन हमारी दो तीन टीचर्स के नाम के आगे मैंने डॉक्टर मतलब सुना है तो उन्होंने PhD कर रखी है एंड द टीचर्स आर एक्सपीरियंस. मतलब बेसिकली जो मैंने मैथ्स वाला एग्जांपल दिया था वो ये बताने के लिए था, टीचर्स आर एक्सपीरियंस एंड उन्होंने DU में पढ़ा रखा है. एंड अगेन अगर प्राइवेट कॉलेजेस को अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए उन्हें स्टूडेंट्स और टीचर्स को अच्छे से मतलब मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो टीचर्स भी ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे एंड वेल एक्सपीरियंस डॉट डिटर्मिंड. मतलब तो आई थिंक टीचर्स तो सही लगे मेरे को एंड एक्सपीरियंस वाइज एवरीथिंग वाइज भी सही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो सब बोल रहे थे. तो या बढ़िया. ओके थर्ड थिंग इज सोसाइटीज.
तो मैं पहले बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे सोसाइटीज़ का सिस्टम क्या एग्जैक्टली, मैं साइड हो जाती हूँ। तो सोसाइटीज़ का सिस्टम ये है बेसिकली कि मतलब हमारी जैसे डिपार्टमेंटल वाइज सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि BBA की फॉर एग्जाम्पल चार सोसाइटीज़ हैं, ई कॉमर्स की अलग सोसाइटीज़ हैं। तो मतलब मीनिंग जो है, तो मतलब सिस्टम जो इस चीज़ का है कि हर डिपार्टमेंट की अलग सोसाइटीज़ हैं। मतलब हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, उनका जो भी डिपार्टमेंट है, सबकी सोसाइटीज़ अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स एंड डिपार्टमेंट की 5 सोसाइटीज़ हैं और BBA एंड BCom ऑनर्स वाले डिपार्टमेंट्स की टोटल 30 सोसाइटीज़ हैं। तो मैं थोड़ी जेलस हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है यार, 30 और 5 में डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा, मतलब टाइम्स 6। ठीक है, जो भी है, मतलब सोसाइटीज एटलीस्ट अच्छी हैं। और प्लस क्या कहते हैं, काफी मतलब हमने सीनियर्स ने बताया कि हम काफी सोसाइटीज में पार्ट ले सकते हैं, तो वही ड्यू वाला हिसाब है, सोसाइटीज में पार्ट ले सकते हैं। अटेंडेंस थोड़ी सी ऐसे लग जाएगी इफ अगर आप किसी सोसाइटी के इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो। एंड सोसाइटीज अगर आप ये कहो कि DU का मतलब जैसे सबके साथ होता है। अच्छा एक मिनट, अनदर थिंग, हमारी सेंट्रलाइज सोसाइटीज भी हैं कॉलेज की, जैसे वेस्टर्न डांस सोसाइटी, क्लासिकल डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, तो ये सारी सेंट्रलाइज भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट वाली हैं, हर टाइप की सोसाइटीज़ है। मतलब अगर आप कंपेयर करो DU कॉलेजेस में उनके टॉपिक्स एंड ऑल, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है। एक एन सोसाइटी बोले, इसमें इनैक्टस एक सोसाइटी है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाली, तो इसमें हमें मतलब ये CV के लिए बहुत अच्छी है सोसाइटी। एंड इसमें हमें सारी स्किल्स जैसे प्रोडक्ट बनाना, बेचना, सब कुछ करना, वो सब सिखाती है कि प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, बनाने हैं, नए करने। तो बेसिकली एक कंपनी है ये इनैक्टस, सॉर्ट ऑफ समझाने के लिए। तो ये इसकी लाइक स्टॉल्स वगैरह की पिक्चर्स हैं जो लगे थे स्टॉल्स। पता चला कि काफी हमारी एंगेजमेंट इस सोसाइटी की है एक्चुअली बाहर के मतलब दुनिया में। सेल्स भी है, रेवेन्यू भी है, एवरीथिंग इज देयर, प्रॉपर स्टैट्स हैं, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो सोसाइटीज एक्टिव है एंड बढ़िया है। एंड कमिंग बैक टू द DU वाली थिंग की बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं और सबके साथ मतलब कॉम्पिटिशन्स में आप इधर उधर जा सकते हो, इधर भी जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। हमारे खुद के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें रामजस, हंसराज वगैरह बच्चे आते हैं, एंड हम भी जा सकते हैं अगर मतलब जैसे जब भी हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कुछ नहीं आपको लगेगा कि यू आर कम्प्लीटली कट ऑफ पूरी दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार सोसाइटीज अभी तक तो मेरे को सही लगी, एंड रिक्रूटमेंट जब स्टार्ट होगी तो आई थिंक उसका भी मैं व्लॉग्स एंड ऑल बनाऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लो। या नेक्स्ट थिंग इज सीनियर्स। तो मतलब बेसिकली सीनियर्स फ्रेंडली है या नहीं, पहले हम बात करते हैं क्राउड की, क्योंकि मेरी पहले किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि विप्स में पीडोफाइल्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता पीडोफाइल्स क्या होता है, तो जिनको बच्चे पसंद होते हैं। तो मैं मतलब ऐसी थी कि क्या, और पीडोफाइल्स तो कहीं पे भी हो सकता है मतलब, और हमने अज्यूम कैसे किया मैं बच्ची हूँ। हाँ मैं हूँ बच्ची, मैं 18 की नेक्स्ट ईयर हूँ, व्हाटएवर। या तो मतलब और भी लोग कह रहे थे कि मतलब ऐसे शोशा वाला क्राउड है, और मतलब अमीर की औलादें आती हैं, सारी शो ऑफ करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, गाड़ियों में आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को नॉर्मल मतलब हमारी फैमिलीज के जैसे लोग मिले, उनसे मेरी बात हुई, सब अच्छे हैं, मतलब मिक्स यार। और ऐसा मेरे को ऐसे अभी तक तो कुछ नहीं लगा कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली ऐसे है। और अगर किसी को शो ऑफ करना होता तो फर्स्ट डेज में वगैरह ऐसे करता ही, बट मेरे को कोई भी नहीं दिखा ऐसे, मतलब मेरे को कोई भी नहीं दिखा ऐसे कम्प्लीटली
शो ऑफ करते हुए एंड ऐसे कि पूरे कॉलेज का वो सब खराब है, देन कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब फालतू की बात है। अब अगर बच्चे हैं कुछ अमीर तो वो खुद अपनी तरफ से करेंगे ना, मतलब अच्छे बच्चे भी तो होंगे, मतलब जो भी, मतलब सब सही है। तो क्राउड इज नॉर्मल, अच्छा क्राउड है, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रहा अभी तक। ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स सीनियर्स, क्योंकि सीनियर्स ना कॉलेज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते ही हैं। ऑफ कोर्स अगर हम ना भी बात करें तो स्टिल एक होता है, पता नहीं कुछ। तो सीनियर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, हमारी फर्स्ट दो दिन गेम्स भी हुई थी और सीनियर्स ने खिलाई थी, तो उनसे इंटरेक्ट किया। एंड व्हेनेवर लाइक लिफ्ट में दो दिन पहले मेरे को सीनियर्स मिले थे बहुत सारे, मतलब सेकेंड ईयर के, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की, तो उन्होंने जैसे बताया सब कुछ, इन सोसाइटीज़ कितनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या सिस्टम, एवरीथिंग, तो बहुत अच्छे से बताते हैं। यू कैन अप्रोच देम, नंबर ले लो, इंस्टा आईडी ले लो, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन इज सरप्राइजिंगली वेरी फ्रेंडली। मैं एक्चुअली सीनियर के साथ पता नहीं स्कूल वगैरह में भी ऐसे बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो स्कूल वाले ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते थे, बट या कॉलेज में एवरीथिंग इज डिफरेंट, लोग आते हैं बात करने कंपैरेटिवली स्कूल से, एंड आप भी फ्री होते हो जाके किसी से बात करने के लिए। स्कूल में भी होते बट इतना नहीं होते, मतलब अजीब लगता है ऐसे थोड़ा सा। तो या सही है, सीनियर्स भी अच्छे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैश कैंपस। तो विप्स का कैंपस सबने देखा ही होगा, मेरे को तो बहुत सुंदर कैंपस लगता है, और मतलब मेरे भी जैसे दोस्त वगैरह जो हैं उनको काफ़ी सुंदर कैंपस लगता है। कैंपस टूर इज कमिंग। तीन बिल्डिंग्स हैं हमारी, एक ही कैंटीन है जो है डिजिटल कैफे, वहाँ पे कुछ डिजिटल नहीं है पंखों के अलावा, और बहुत रश रहता है कैंटीन में, मेरे बताने से कोई फायदा नहीं है, बट बहुत रश रहता है, कभी नहीं बैठ पाते वहाँ पे, कभी नहीं। तो या नेक्स्ट थिंग, तो या फिर हाँ, और हमारी प्रॉपर्टी में तीन डॉगीज भी हैं, तीन ब्लैक लैब्राडोर, और मेरे को डॉगी से डर लगता है, फालतू की बात है। अच्छा ठीक है, तो तीन बिल्डिंग्स हैं, एक है मतलब कॉमर्स समझ लो डिपार्टमेंट, एक लॉ की बिल्डिंग है, और एक बीटेक बीसीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है। ग्रीनरी भी है, ग्राउंड्स इतने बड़े नहीं है, कोर्ट है, बास्केटबॉल वॉलीबॉल का छोटे छोटे हैं, एंड बेसमेंट में भी बैडमिंटन कोर्ट है। लाइब्रेरीज एंड ऑल आर ऑल्सो ठीक है, मतलब अच्छी हैं। एंड और कैंपस में क्या आता है, खाना आता है, खाना भी सही है, मतलब एक दो चीज़ें मैंने सही निकाल ली, मतलब फ्रेश फ्रेश बनती है, तो हाँ। नेक्स्ट चीज़ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब अब रिव्यूज़ वगैरह आई थिंक हो गए, मेन चीज़ें सारी मैंने कवर कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सही चल रहा है, मतलब अच्छा है अभी तक। मेरे फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, लोगों से बात भी हो जाती है, सीनियर से भी बात हो जाती है, एंड चार पांच एंड छः सात लोग वो भी मिल चुके हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी हैं। अभी तक एक्सपीरियंस सही है, पढ़ाई अच्छे से होती है, टीचर्स अच्छे से पढ़ाती हैं, और हाँ लोग भी मतलब सही ऐसे मिल रहे हैं, अच्छे से बात हो जाती है सबसे। आने जाने में हालत खराब हो जाती है, भले ही टोटल 45 मिनट्स लगते हैं, मतलब एक घंटा ही मान लो, एक घंटा लगता है कॉलेज सॉरी घर से मेट्रो, देन मेट्रो से रिक्शा लेके देन कॉलेज, तो इतना टाइम लग ही जाता है। अगर मैं मतलब ऑटो से जाऊँ तो डायरेक्टली मेरे को आधे घंटे में मैं कॉलेज पहुँच जाऊँगी, बट पैसे बचाने के चक्कर में एक घंटा लगता है, तो डबल अमाउंट लगता है, और अमाउंट ऑफ टाइम, बट
पैसे बच जाते हैं तो ठीक है। बाकी कैंपस भी सही है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेड सा लगा था कैंपस, बट देन धीरे धीरे करके इट इज स्टार्टिंग लाइक टू बी गुड एंड एंटरटेनिंग। या अभी आई कैनॉट जज द फुल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी पता नहीं क्या होगा सोसाइटीज में कैसा होगा, तो इसीलिए आई बी व्लॉगिंग एज मच एज आई कैन, जितना हो सके मैं व्लॉग करूंगी। और अगर आपको एक स्टूडेंट की जर्नी को फॉलो करना है, देखना है और सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर दो। ओके पक्का इसके बाद नहीं बोल रही मैं, मतलब इस वीडियो में। तो आई थिंक मैंने एक अच्छा, मतलब अच्छा नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू ऑलरेडी दे दिया, ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। और क्या हो रहा था, मतलब अभी तो मैंने सब कुछ फ्रूट्स, अभी तो मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा बताया कि क्या हुआ, मतलब कुछ बुरा ऐसे नहीं हुआ, टच वुड होए भी ना। एंड यार सब कुछ मतलब चल रहा है, अभी सही चल रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा, अच्छी बात है, तो सही है। बस हाँ नींद की थोड़ी दिक्कत होती है, और क्या बताऊं। बाकी एक दो दिन ऐसे घर आते हो कि थोड़ा सा आप बोर हो जाते हो, एंड कॉलेज में थोड़ा सा ऐसे आप बोर हो जाते हो कभी ना कभी, तो इतना तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। अगर आप कहीं भी नई जगह जाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर टाइम फायर क्रैकर्स, मतलब सब कुछ चलता रहे कुछ ना कुछ, तो एक्सपेक्ट इतना मैंने किया भी नहीं था, बिकॉज आई नो एक्सपेक्टेशन हमेशा, इसलिए सही एक्सपीरियंस, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग इवन मोर फन, मेकिंग मोर फ्रेंड्स एंड कनेक्टिंग विद पीपल। एंड या मजे करने हैं यार, मजे कॉलेज लाइफ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, इससे ज्यादा मैं और नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। और ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कॉलेज का, और कैसा मेरे को डीयू से आईपी में स्विच अभी तक लगा, एग्जैक्टली कि जो डिफरेंसेस जैसे मैंने बोला था एंड ऑल, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये एक अपडेट सॉर्ट ऑफ वीडियो थी एज यू कैन टेल, तो या दैट वाज माय अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप कर देना वीडियो को, एंड अच्छा ये लास्ट टाइम है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को शेयर कर दो, बस ऐसी शेयर का बटन दबा के कॉपी लिंक कर दो, एंगेजमेंट बढ़ जाती है। कमेंट कर सकते हो कमेंट करो, बातें करते हैं। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।